हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकीज़ बेक हाउस। तो आज हम बना रहे हैं शाही पनीर। ये हम जैन तरीके से बनाएंगे ताकि बिना प्याज लहसुन का शाही पनीर एकदम रिच ग्रेवी, बहुत सारा हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे ये मखाना, काजू, बादाम और ये मगज बी, यानी ये तरबूज खरबूज के जो बीज होते हैं उसे हम मगज बी कहते हैं। तो इसे मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, जस्ट एक 2 से 3 मिनट हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और एक इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये हमने हमारे ड्राई फ्रूट्स ड्राई रोस्ट कर लिए थे, ये थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डाल के इसका ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमने ड्राई रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स का पाउडर कर लिया है। आप चाहो तो इसे स्टोर भी कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा बनाकर फ्रीज में आप स्टोर करके रख सकते हो और जब चाहिए तब अपने ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारे ग्रेवी को एक अच्छा थिकनेस भी देता है, हमारी ग्रेवी एकदम रिच हो जाती है। तो अब हम टोमेटो की प्यूरी लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे मैंने रफली चॉप किया है और थोड़ा सा बटर या ऑयल लेके आप इसे जस्ट हल्का सा फ्राई कर लीजिए जब तक ये थोड़े मैशी नहीं हो जाते। इस साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये तेज पत्ता यानी बे लीफ डाला था और इसे थोड़ा सा नरम होने तक पका लिया है ताकि इसकी जब हम प्यूरी करेंगे तो उसके बाद हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। ये जो हमने टमाटर थोड़े से पका लिए हैं इसे भी हम प्यूरी कर लेंगे। तो प्यूरी के लिए ये तेज पत्ता मैं हटा दूँगी और बचे हुए टोमेटो की प्यूरी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने टोमेटो का एक अच्छा पेस्ट बना लिया है, एकदम फाइन पेस्ट। इसे हम सेम इसी कढ़ाई में डाल देंगे जिसमें हमने थोड़े से टमाटो फ्राई कर लिए थे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा तेल या बटर डाल सकते हो, या इसे अब हमने तेल में फ्राई किया था तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये प्यूरी मैं इसी कढ़ाई में डाल रही हूँ। और हम अपना गैस ऑन कर देंगे। अब हमने ये टमाटर अच्छे से फ्राई कर लिए थे तो इसलिए हमें ये ग्रेवी को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम बस थोड़ा सा एक 2 मिनट के लिए गर्म करेंगे और उसके बाद हम इसमें अपने बाकी मसाले डालेंगे। तो ये देखिए, ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमने ये हमारी ग्रेवी जो टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे अच्छा गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, या आप आपके टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर, और थोड़ा गरम मसाला। इसके साथ हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, और थोड़ी सी शक्कर। शक्कर हम इसलिए डालते हैं ताकि ये जो टमाटर की खटास है उसे भी बैलेंस कर देती है और पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी मीठी टेस्ट में अच्छी लगती है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक मिनट के लिए हम ये मसाले इसमें अच्छे से भून लेंगे और जैसे थोड़ा तेल इसे छूटने लगेगा तब हम डालेंगे हमारा ड्राई फ्रूट पाउडर। तो ये हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये हमारा ड्राई रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। आप आपके हिसाब से इसे कम ज़्यादा डाल सकते हो, जितना ज़्यादा आप डालोगे उतनी रिच आपकी ग्रेवी बनेगी। इसे भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। हम मीडियम कंसिस्टेंसी बनाएंगे, जैसे हमें बाहर रेस्टोरेंट में मिलता है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। और जैसे ये ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाले हैं तो ये इससे ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाती है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल सकते हैं कस्तूरी मेथी। तो मैंने कस्तूरी मेथी ली है, इसे बस हम दोनों हाथ के बीच में रोल करके इसमें डाल देंगे। और इसमें एक उबाल आने देंगे। अब अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली इसमें फ्रेश क्रीम या अमूल क्रीम डाल सकते हो, और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप अपने घर के दूध की मलाई, ये नॉर्मल अपने दूध की मलाई मैंने ली है, इसे बस एक हल्का सा ग्राइंडर में पीस के वो क्रीम हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी भी अच्छे से गर्म हो गई है, इसमें एक उबाल आ गया है। और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने मलाई को पीस लिया है, तो इससे एक अच्छा रिचनेस भी आ जाएगा और कलर भी एक बहुत ही सुनहरा हो जाएगा। इसे हम मिक्स कर लेंगे। हल्का सा इसे गर्म होने देंगे। तो जब तक हमारे ग्रेवी में एक उबाल आता है तब तक हम ये पनीर को इस तरीके से चौकोनी कट कर लेंगे। ये पनीर मैंने घर पर बनाया है, वो भी बगैर दूध से, जो हम घी बनाते वक्त हमारी जो छाछ बच जाती है उससे मैंने ये पनीर बनाया है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा पनीर बना है, देखिए एकदम अच्छा बाहर जैसा ही और एकदम सॉफ्ट ही हमारा पनीर हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप ये मेरा वीडियो चेक कर सकते हो, बगैर दूध के कैसे बनाए पनीर। तो ये सारे मैं इस तरीके कट करके रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए ये हमारा ग्रेवी का कितना अच्छा सुनहरा कलर आ गया है, और ये अच्छे से जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो भी इसकी अच्छी है। इसमें उबाल भी आ गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये हमारे पनीर के पीसेस। ये घर का फ्रेश पनीर है तो ये हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। अगर आप मार्केट से पनीर लाते हो तो आप उसे एक बार जस्ट गर्म पानी में से निकाल के फिर उसे ऐड कर सकते हो। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, और अब इसे 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि जो ये पनीर है वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए ये हमारे पनीर अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो गए हैं। अगर आपको इसमें रेड कलर पसंद है तो आप रेड कलर ऐड कर सकते हो ताकि जो रेस्टोरेंट में एकदम रेड कलर की ग्रेवी होती है उसका वो लुक आ जाए। पर ये यहाँ पर हमने बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के ये पनीर की सब्जी बनाई है। या तो आप चाहो तो थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हो, उससे भी इसका कलर जो है वो अच्छा आ जाएगा। तो इसे मैं एक बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो लुक है, ये बिल्कुल एकदम बाहर के ग्रेवी जैसा है। ये हम ऊपर से इसे इस तरीके से गार्निश कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया हम ऊपर से डाल देंगे, और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इस पे क्रीम भी ऊपर से डालकर इसे सर्व कर सकते हो। तो ये हमारी जैन शाही पनीर बिल्कुल रेडी है, आप इसे गर्मा गर्म रोटी नान के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये शाही पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और आप साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा सकते हो ताकि जब भी नई रेसिपीज आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप मेरा फेसबुक पेज निकिस बेक हाउस लाइक कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन क्लास कभी भी किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।